हेलो दोस्तों, एसआईपी का बेसिक आई होप आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा मेरा पहला वीडियो से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट है एसआईपी का जो बाकी और प्रोडक्ट में नहीं है, स्पेशली आरडी और अदर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है उनके साथ एसआईपी का डिफरेंस क्या है और इस एसआईपी में इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मैं रेगुलर बेसिस पे फिनेंशियल टॉपिक पे वीडियो अपलोड करता हूँ जो आपको डे टू डे फिनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज हम लोगों का जो एक्सपेंस है बहुत बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे कि ड्यू टू दैट ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट आप बोल सकते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ की वजह से आप बोल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की इंट्रोडक्शन की वजह से भी आप बोल सकते हैं, हम लोगों का जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट अनकंट्रोल सिचुएशन में चला गया है। पहले कंसेप्ट था कि बुढ़ापा के लिए कुछ सेविंग्स किया जाए, वो धीरे धीरे जा रहा है और हम लोग सोचते हैं कि जब वो सुपर एनुएशन वे में पीएफ ग्रेचुटी नहीं तो इस तरह का कुछ एलआईसी फ्लाईसी करेंगे और अंत में मुझे मिल जाएगा। लेकिन सिस्टमेटिकली जो सेविंग्स का हैबिट वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। हम लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं, एक शर्ट के बदले 5 शर्ट खरीद के आ जाते हैं। मोबाइल पे हम लोगों का घर पे वाईफाई है, ऑफिस में वाईफाई है, फिर भी हम 300-400 का पैक भर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो होना चाहिए था कि पहले हम सेविंग्स करेंगे, बाकी एक्सपेंस किया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पहले हम लोग खर्चा करते हैं, उसके बाद जो कुछ छोटा मोटा बचता है वही हम लोग सेविंग्स करते हैं। इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल कोर्स में सेविंग्स नहीं होता और इन फ्यूचर जो बड़ा बड़ा एक्सपेंसेस है लाइक एडुकेशन आप मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग मीटअप नहीं कर पाते और डिफ़िकल्टी में पड़ जाते हैं। जब भी हम लोग कुछ बड़ा कुछ खरीदने जाते हैं तो हम लोगों को लोन लेना पड़ता है, कोई भी लमसम कॉर्पस हम लोगों के पास नहीं रहता। ये प्रॉब्लम एसआईपी सॉल्व कर सकता है। एसआईपी में क्या होता है कि हर महीने 1 तारीख 5 तारीख को 1-5 ऐसे कोई शुरू में आपका पैसा डेबिट हो जाता है। सपोज आपका 30,000 इनकम है और आप मैं सोचा 15,000 एसआईपी कर दिए, आप सोचेंगे बड़ा अमाउंट है। एसआईपी आप कोई भी टाइम आप तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप ज़्यादा करेंगे तो कोई नो प्रॉब्लम, क्योंकि यू कैन ब्रेक एनी टाइम। क्या होगा, 1 तारीख को वो 15,000 डेबिट हो जाएगा और ये 15,000 डेबिट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सैलरी से वो अमाउंट रख के आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आप महीने में शुरू में ही ना खुद के लिए कुछ पैसा आप साइड करेंगे फॉर एसआईपी डेबिट और बाकी जो पैसा बचेगा उसमें जो खर्चा है उसको एकोमोडेट करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है ना, घर में गेस्ट आता जाए तो 2 चिकन के डिश के बदले 10 चिकन के डिश बुला लेना, ये सब खर्चा घट जाएगा क्योंकि एसआईपी में तो पैसा डेबिट हो जाएगा अकाउंट से, आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। और एक जो मीनेंस होता है वो है क्रेडिट कार्ड, वो भी क्रेडिट कार्ड में क्या होता है जब हाथ पे पैसा नहीं रहता आप क्रेडिट कार्ड में भी एक्सपेंस करते रहते, तो अगर आपका जो लिक्विड कैश वो एसआईपी में चला जाए तो ये आपका जो खर्चा है मतलब खर्चा करने का जो हैबिट है वो कंट्रोल्ड होगा और सिस्टमेटिकली वो पैसा आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स एक बड़ा अमाउंट होके आपके पास आएगा। जब आपका नीड आएगा एडुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, बाहर घूमने के लिए, वो पैसा आपको काम में आएगा। दूसरा जो बेनिफिट है, एसआईपी की हेल्प से आप फ्यूचर में जो बड़ा एक्सपेंसेस है उसका जो नीड है वो आप फुलफिल कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि मैंने पहले वीडियो में भी ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 2006-7-8 जब उस टाइम में क्या होता था कि शेयर मार्केट भी कम था, 15,000-16,000 था। आप फ्लैट खरीदने जाते थे, 5 लाख 10 लाख में आपको फ्लैट मिल जाता था। आई थिंक अब
कुछ भी, मतलब चावल भी 20 रुपए में मिलता था। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर से उठा, गिरा, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक आप देखेंगे ये उतर चढ़ाव के बीच में भी एक स्टेडी ग्रोथ आपको दिखाई देगा। अगर आप 5 साल 10 साल लेंगे तो आज देखिए 32,000 शेयर मार्केट चल रहा है, फ्लैट आज 50,01,00,000 में बिक रहा है, ठीक है। इसके बीच में आप अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट जब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में थोड़ा नीचे गया था। SIP में क्या होता है कि अब ये जो उतार चढ़ाव है ना मार्केट का, उसका फर्क आपको ऊपर नहीं बढ़ने देता, क्योंकि जब मार्केट उठता है तब भी आप SIP में खरीदते हैं, क्योंकि हर महीने आप खरीद रहे हैं, जब मार्केट गिरता है तब भी आप खरीद रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक लंबा पीरियड अगर 5 और 10 साल के लिए आप SIP करेंगे तो एक एवरेज का बेनिफिट आपको मिलता है। आज से 5-10 साल पहले हॉस्पिटल नर्सिंग होम का एक्सपेंस 10 लाख ये सोच भी नहीं सकते थे हम लोग, लेकिन आज कुछ भी डिजीज हो तो 5 लाख 10 लाख खर्चा हो जाता है। अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज से 10 साल के बाद आई होप 15-20 लाख तक मेडिकल एक्सपेंस हो जाएगा, कैसे हम मीटअप करेंगे। लेकिन हम लोग अगर SIP में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट के हिसाब से वो बढ़ेगा तो 5-10 साल के बाद जो एक्सपेंस बढ़ेगा, स्पेशली मेडिकल, एडुकेशन, रियल एस्टेट, उनका जो खर्चा है वो हम लोग मीटअप कर पाएंगे ऐसा। क्योंकि दोस्तों आप खुद भी रियलाइज करेंगे और आपका जो पहले का जेनरेशन है उनको भी आप देखेंगे कि जब भी कोई बड़ा खर्चे की नीड आया उनके पास पैसा नहीं रहता है। एनी टाइम मतलब आप नौकरी 20-50,000-1,00,000 सैलरी कुछ भी हो, लेकिन जब भी बड़ा मेडिकल एक्सपेंस तब क्या करना पड़ता है, बैंक में दौड़ना पड़ता है, आपके पास सोना है तो सोना बिकना सेल करना पड़ता है। तो अगर आप SIP करते जाएंगे ना, ये जो बड़ा बड़ा एक्सपेंस का नीड है ये मार्केट की ग्रोथ के हिसाब से आपको वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं तीसरा बेनिफिट जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है आज की सिनेरियो में, वो है टैक्स बेनिफिट। दोस्तों SIP एक इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में दो तरह का टैक्सेशन लगता है, एक है डिविडेंड बेस्ड और एक है कैपिटल गेन बेस्ड। डिविडेंड में मैं आपको बताना चाहूँगा डिविडेंड अर्निंग इज टोटली टैक्स फ्री। मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट दो तरह का होता है, एक डिविडेंड जो आपको अकाउंट में डिविडेंड मिलता है, दूसरा है कि ग्रोथ जिसमें जो प्रिंसिपल है वो बढ़ता है, और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत प्रिंसिपल बढ़ता है लेकिन वो बहुत स्लो होता है। जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्स फ्री अर्निंग है। और कैपिटल गेन में दो तरह का कैपिटल गेन होता है इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट में अगर आप करेंगे तो 12 महीने तक इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, अप टू 12 मंथ आपको जो कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, मतलब अगर आप आपका कैपिटल 1,00,000 है, 1,20,000 हुआ होगा तो वो 20,000 पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन में पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 साल के बाद रखें वो कंटिन्यू करेंगे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, तब उनका टैक्सेशन 0 है। अगर आप RD में इन्वेस्ट करते हैं तो एंटायर अमाउंट इज टैक्सेबल, लेकिन SIP में अगर 2 साल 3 साल 5 साल रखेंगे आज का हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो अर्निंग 0 टैक्सेबल है। आई थिंक ये पार्ट, ये टैक्सेबल पार्ट इट्सेल्फ अ बिग प्रॉफिट अगर आप सोचेंगे तो। सोचिए आपका 20% टैक्स स्लैब में है, आप RD में इन्वेस्ट किया, जब पैसा आपको मिलेगा उससे भी आपको 20% टैक्स में देना पड़ता है, लेकिन SIP से अगर आपको पैसा मिला वो इज टोटली नॉन टैक्सेबल। आई थिंक ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। और अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP में तो आपको 80CC का भी छाड़ मिलेगा, जैसे SBI टैक्स गेन, ये सब प्रोडक्ट में आप करेंगे तो आपको 80CC का जो छाड़ है 1,50,000 तक वो भी आपको मिलता है।
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो टैक्स सेविंग स्कीम है म्यूचुअल फंड में, ये ओनली 3 ईयर्स लॉक इन होता है। बाकी कोई भी टैक्स सेविंग्स 80cc का आप अगर आप बोलेंगे तो आप PPF बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोले, वो 5 साल से कम लॉक इन नहीं होता। ओनली इन द म्यूचुअल फंड ये 3 साल के लिए लॉक इन होता है। तो इससे क्या होगा कि कम टाइम में आप 3 साल में वो पैसा फिर से आप उठा के फिर से इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लास्ट जो बेनिफिट है SIP का मैं आपको बताना चाहूँगा वो है लिक्विडिटी। पहले क्या होता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ होता था, ऑफिस में जाना पड़ता था, बहुत सारे डॉक्यूमेंट करने भी पड़ना था। लेकिन आज ड्यूटी म्यूचुअल फंड पर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो ऐप इंट्रोड्यूस किया है और कुछ थर्ड पार्टी ऐप भी है लाइक पीगी माईकैम, ठीक है, ये सब ऐप भी इनके थ्रू से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट ओनली इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ से म्यूचुअल फंड में वो जो फंड आपका जमा हुआ है उसको तोड़ भी सकते हैं। इसके मतलब ये हुआ कि आप घर बैठे बैठे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं आज, और जब भी आपका पैसे की ज़रूरत है वो ऐप के थ्रू से आप तोड़ के आपके अकाउंट में ले सकते हैं। तो दोस्तों, SIP आपका जो सेविंग्स का हैबिट है वो भी बढ़ाता है, फ्यूचर का जो फंड का रिक्वायरमेंट वो भी मीटअप करता है, आपका टैक्स बचाता है और बहुत इजीली आप ये घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इट्स रियली अ गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। तो होप आज ये जो वीडियो आपको हेल्प करेगा SIP के बारे में जानने के लिए और आपका फ्यूचर फिनेंशियल डिसीजन लेने में। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट में लिखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर माई लास्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे SIP आप कर सकते हैं।